वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को इसको लेकर बनाई गई कमेटी में शामिल किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए संविधान को बदलने की साजिश करार दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस 60 सदस्यीय कमेटी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया था, लेकिन अधीर रंजन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कमेटी को जमी कमेटी करार दिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में न रखना उनका घोर अपमान है। देखो ऐसा है कि बीजेपी कुछ नहीं पूछ रही है, बीजेपी को तो चंदा चोरी पे जवाब देना चाहिए। बीजेपी क्या पूछेगी, तो भाजपाइयों को अपने गिरेबान के अंदर पहले झांक कर देखना चाहिए। वही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और इसे संविधान बदलने की साजिश करार दिया। ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है, शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर